गाइज अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे एंड आप सबको हैप्पी दशहरा। हैं ये लो कबीर भी बोल रहे हैं हैप्पी दशहरा, बोलो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे, आप सबको दशहरा मुबारक हो, हैप्पी दशहरा गाइज। तो गाइज आज है दशहरा एंड मैं जहाँ पे रहती हूँ डेफिनेटली मेरा यहाँ पे सब वही लोग हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। सो फूल वगैरह लाके हम भी लगाएंगे डोर पर, क्योंकि मुझे डोर पर लगाना ही है एंड ऑब्वियसली मेरे घर में मंदिर है, आप लोगों को पता ही है, तो मुझे मंदिर में भी फूल लगाना है एंड डोर पर भी मुझे माला लगाना है। बट उसके लिए मैंने ऑनलाइन से मंगाई, बट मेरे साथ स्कैम हो गया, वो इतना छोटा सा दिया कि वो मेरे डोर पर नहीं आएगा। एंड देखिए जहाँ पे हम रहते हैं ना, हम उसी माहौल में हमको ढलना पड़ता है। तो मेरे आजू बाजू में सब कल रात में उन लोगों ने माला वगैरह बना लिया, मैं नहीं बनाई क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, मेरा कान अभी भी तो बेस मार रहा है। कभी रात में था सामने वाली आंटी के घर पे, उसने वहाँ पर माला वगैरह बनाया, बट मैं नहीं बनाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है एंड लिटरली मुझे अभी भी मेरे कान में से बर्न हो रहा, आप देख सकते हो प्रॉपरली, मतलब मैंने थोड़ा सा बेस मारा, सुनाई नहीं दे रहा। बट एनीवेज एनी हाउ काम तो करना ही है, सो चलते हैं फटाफट, मुझे घर का पूरा काम करना है। एंड कबीर को मैं बोली नाश्ता करके जाके फूल लेकर आना, फूल का माला बना के डोर पर लगा देंगे। एंड मैं बनाने वाली हूँ सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं आज बनाने वाली हूँ, पूरी भाजी बनाऊँगी एंड मूँग की दाल का हलवा, और वो भी झटपट बनने वाला हलवा बनाने वाली हूँ मैं। मूँग की दाल को हम धोकर उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे उसको, उसके बाद उसको पीस के फिर थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा रवा उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के खाली, उसके अंदर मूंग का दाल जो हम पीसेंगे उसको बनाएंगे, वड़ा ब्ला 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 बताती नहीं हूँ, साथ में देख लेना। तो चलेगा, सबसे पहले घर का काम करके लेती हूँ बिकॉज बहुत सारे काम है अभी घर में, झाड़ू मारना है, ज़मीन पोछना है, बर्तन धोना, किचन साफ़ करना है पूरा, उसके बाद फटाफट खाना बना के लेते क्योंकि फिर वो सब भी साफ़ करना है एंड मुझे जाना है पार्लर, आईब्रो बनवाने जाना है। यार दो जगह से बनवाई थी तो उन लोगों ने उड़ा दिया, ये देखो यहाँ से किसी ने पतला कर दिया, कोई कहाँ से ये लोग ख़राब कर देते हैं, बट नॉट नाउ, थोड़ा जाकर आती हूँ आगे तक जाकर, आज आईब्रो बना कर आऊँगी, बट उससे पहले घर का काम। तो चलेगा इस फटाफट काम करके लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज घर के का घर का काम वगैरह हो गया, यहाँ पे देखो कबीर बैठ के माला बना रहे। आती है क्या? आता है। देखो गाइस स्लो स्लो कर रहा पर बोलता आते, देख जरा इधर, दशहरा की तैयारी। मैं खुद करूंगा। हाँ बना बना, बट हो रहा है क्या तुझसे? ये गाइस जाएगा डोर पर, और मंदिर पे तो कबीर ने सब कर ही दिया है, पीला वाला और वाइट फूल लगाया है यहाँ पे। अभी पीला आम का पत्ता नीचे से तोड़कर लेकर आया एंड फूल लेकर आया, जाकर खुद ही लेकर आया, फूल लेकर आया, आम का पत्ता तोड़ के लाया और अभी बैठ के माला बना रहा। तो गाइस जिसको माला बनाने देते हैं ये अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे, ये अपना काम कर रहा है। और यहाँ पर मैं आलू बॉईल करने रखी हूँ एंड मूंग की दाल मैंने धोकर भिगा के रखा हुआ है, इसको मैं रोस्ट करूँगी पैन पे, उसके बाद इसको पीसूँगी। एंड आटा ख़त्म हो गया घर पे, तो मैंने नीचे से आटा मंगा ली, तो यहाँ पे मुझे सम्राट का आटा मिला है, सम्राट का। चलिए तो गाइज़ थोड़ा सा ये इसको मैं साइड में रखती, थोड़ा सा भीगने दूंगी एंड मैं ये आटा ज़रा पीस कर लेती हूँ ताकि डो बना के ज़रा एक आधा घंटे के लिए उसको रेस्ट दे दूँ, जब तक आलू भी बॉईल हो जाएगा एंड मैं आटा गूंथ के लेती हूँ, कबीर जब तक अपना काम कर लेगा मैं फ्रेश हो जाती हूँ। चलिए गाइस बाहर तो माला वगैरह लगा दिया है एंड यहाँ पर मैं मूंग की दाल का जो हलवा बोली थी यहाँ पे मैंने गाइस 3 घंटा इसको भिगा के रखी थी, अब जाकर मैं इसको यहाँ पे ड्राई रोस्ट करने वाली हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है कि काला ही हो जाए मेरे को, मतलब मेरे को जैसे बनाना मैं अपने हिसाब से इसको रोस्ट करूँगी, आपको जिस तरह बनाना उतना ही रोस्ट कीजिए। तो गाइस यहाँ पे मैं इसको हल्का ब्राउन रोस्ट कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का रोस्ट करके लेती हूँ एंड चलिए आपको दिखाती हूँ जो बाहर माला लगाया था।
तो गाइज यहाँ पे ये अच्छे से देखो जितना मुझे चाहिए था उतना यहाँ पे ये रोस्ट हो चुका है, मतलब मैंने इसको भून लिया अच्छे से। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद मैं इसको पीस कर ले लूँगी। चलिए गाइज यहाँ पे मैंने पीस लिया, देखिए बहुत बारीक नहीं किया है, थोड़ा दरदरा रखा, और इसी पैन में बनाऊंगी मैं, क्योंकि इसी में मैंने भुना था तो वो एक फ्रेग्रेंस रहेगा, तो इसी में बनाएंगे हम। घी में कोई कंजूसी ना करे, क्योंकि घी में अगर कंजूसी करोगे तो आपका मूंग दाल का हलवा अच्छा नहीं बनेगा, इसीलिए घी में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। इसमें आप दूध डाल के भी बना सकते हो, पानी डाल के भी बना सकते हो, सबका अपना अपना तरीका है बनाने का, मेरा अपना ओन है। यहाँ पे हम थोड़ा घी को मेल्ट होने देते हैं। मैं पहले ड्राई फ्रूट को पहले फ्राई करके ले लूँगी, इसी में थोड़ा सा इसको फ्राई करके निकाल लेंगे, इसको जलाना नहीं है बस फ्राई करना है। यहाँ पे ये हो चुका है, इसको निकाल लेती हूँ वरना जलने की संभावना रहेगी। गिर गया, जलाना नहीं है इसीलिए फटाफट निकाल लेती हूँ। क्या हो गया, क्या बोले बोले कुछ? हाँ भैया, भैया भी डरपोक है। क्या भैया डरपोक है? क्यों, क्या किया? दादा टाइम को पकड़े हुए थे ना, इसलिए वो डर के मारे बोला कि भैया किधर है। जान दे जा तू, उधर जा, मैं आई। कल बोलता ही, आज बोलने के बदले ऐसा लग रहा है मेरे को कल तक वेट करना पड़ेगा कि शेबी आज ही बोलो, पर नहीं, शेबी इतना स्लो स्लो और सोच सोच के बोलता है। चलिए गाइस, थोड़ा बहुत तो उसके अंदर रह गया है, अभी मैं डायरेक्टली दाल इसके अंदर नहीं डालूंगी, मैं थोड़ा सा इसमें बेसन ऐड करने वाली हूँ, थोड़ा सा बेसन, ज़्यादा नहीं। ये देखिए एक चम्मच बेसन ऐड करूंगी इसमें, बेसन के साथ ही दाल को मैं इसी में भून कर लूंगी, यानी कि जो मैंने पीसा है। गैस एकदम स्लो है, बिल्कुल भी फास्ट नहीं है, और फास्ट में नहीं बनाना है, मूंग दाल का जो हलवा है वो स्लो में ही बनाना है वरना जल जाएगा। और इसको तब तक पकाना जब ये अच्छे से भून जाए एंड और जो घी है वो रिलीज कर दे। तो मैं अभी देखे, पहले तो मैंने रोस्ट किया था, हल्का रोस्ट किया, बट अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी जैसे हम नॉर्मल रवा बनाते हैं, बस वैसा ही। और इसको दरदरा पीसना है, बहुत बारीक नहीं पीसना है टेक्सचर के लिए। तो गाइज यहाँ पे मैं अभी देखिए, इसको बनाना कम से कम आधे घंटे का टाइम लगता है, बट यहाँ पे मैं आधे घंटे का अगर वीडियो शूट करने जाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा। तो यस, मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ पहले, ताकि ये एक जो पीलापन है हल्का सा कम हो के हल्का सा एक ब्राउन कलर आ जाए। स्लो में मैं इसको अच्छे से भून कर लेती हूँ। गाइज मैं इसमें ऐड करूँगी अभी पानी, देखिए दाल है ना तो इसीलिए पानी ऐड करने से देखिए इसका एक टेक्सचर थोड़ा सा अभी चेंज हो जाएगा। अब पानी से इसको अच्छे से और हम पकाएंगे, एंड जब तक वापस से सेम प्रोसीजर कंटिन्यू, यही हाथ नहीं रुकना चाहिए। देखिए अभी पूरा इसमें से जो घी, देखिए घी कहीं नहीं दिख रहा, बट अब इसको इतना पकाना है कि जो घी है वो घी इसमें से रिलीज हो जाए। शक्कर, ड्राई फ्रूट्स एंड एनीथिंग, जो भी, ये सब मतलब बाद का प्रोसीजर है, बट मेन प्रोसीजर यही है। अब हमको इसको देखिए पानी डाल के, देखिए मैंने पानी डाल दिया, ये कैसे हो गया एकदम, बट अब हमको इसको इतना पकाना है कि इसमें से ना घी एग्जैक्टली निकल जाए, घी रिलीज हो जाएगा, यानी कि हमारा हलवा ऑलमोस्ट डन, 70% डन। एंड देन शुगर, इलायची पाउडर एंड ड्राई फ्रूट्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू पुट, मावा डाल सकते हैं आप, मिल्क मेड ऐड कर सकते हैं, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं डालूंगी, मैं नॉर्मल ही बनाऊंगी। चलिए अब इसको इतना पकाते हैं, इतना पकाते हैं कि घी निकल जाए। आज मेरा हाथ का भी घी निकलेगा भाई, हिला हिला के, मतलब सॉरी चम्मच से मतलब। चलिए गाइस देख लीजिए आप,
मेरे हाथ में दर्द होने लग गया है, ये देखिए साइड साइड से ना घी रिलीज होने लग गया है, इतना भून दियो कि ये देखिए साइड साइड से आपको दिख रहा होगा घी रिलीज हो चुका है, हो चुका है मतलब प्रॉपरली नहीं बट यस ऑलमोस्ट भून चुका है ये, क्योंकि घी अगर छूट रहा है यानी कि भून गया, बट अभी इसमें शक्कर डालकर भी इसको पकाना है। तो चलिए अब ऐड करेंगे गाइस इसमें शक्कर, मैंने थोड़ा सा इसमें येलो कलर डाला है अभी, शक्कर के अंदर ही ऐड कर दिया था, आपको दिख रहा होगा फूड कलर, सी दिस हल्का सा डाला है येलो कलर, शक्कर ऐड करने के बाद इसका टेक्सचर थोड़ा सा भी और एक गीला गीलापन आ जाएगा इसमें, देखिए बट इसको भी अब और भूनना है, हलवे का जो टेक्सचर है ना वो चेंज हो जाएगा, ये देखिए अब ये हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा ना कि पीला रहेगा, तो इसीलिए मैंने हल्का सा कलर डाला है कि अगर ब्राउन भी हो जाए तो एटलीस्ट थोड़ा तो कलर दिखे। सी गैस मैंने स्लो ही रखा हुआ है, ये देखिए मीडियम पे, ये मेरा एक्चुअली ख़राब है बट ख़राब मतलब ये लूज़ हो गया बट स्टिल ये स्लो पर ही है। इसमें ऐड करेंगे हम इलायची पाउडर, क्योंकि उसके बगैर तो मीठा बन ही नहीं सकता है, तो हेयर इज इलायची पाउडर थोड़ा सा और, आप देख सकते हो गाइस हलवा जो है वो पैन छोड़ रहा है, ये देखिए पैन छोड़ रहा है मतलब आपका हलवा ऑलमोस्ट डन है, देखिए ये देखिए देखा टेक्सचर पैन छोड़ रहा है, इनकी चिपक नहीं रहा है छोड़ रहा है, मेरा तो नाक भी बंद है कि मुझे कोई खुशबू भी नहीं आ रही है, कान नाक सब बंद हो चुका है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। ये गाइस आज दशहरा के दिन मैंने स्पेशली बनाया है मूंग दाल का हलवा, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, पहली बार जिंदगी में मैंने मूंग दाल का हलवा बनाई हूँ, एंड डेफिनेटली मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ खुद से कि यस मैं कर सकती हूँ। तो यस मैंने फाइनली मूंग दाल का हलवा गाइस सी दिस मैंने बना लिया है फाइनली, एंड मैंने क्या क्या बनाया डेफिनेटली आपको भी दिखाऊंगी, बट उससे पहले मैं पूरी, मुझे पूरी बनाना तो मैं पूरी भी बना कर लेती हूँ। फाइनली हमारी पूरी बनके रेडी हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप मैंने पूरा जितना भी था पूरी वगैरह सब बना लिया, एंड यहाँ पर मैंने बनाया है सब्जी सोयाबीन एंड आलू की सब्जी है, सी आप देख सकते हो पूरी बन गई है, खाना नहीं खाना है, देखिए गाइस सोयाबीन आलू की सब्जी रेडी हो चुकी है, एंड राइस मैंने बनाया है मेथी का पुलाव, मेथी का पुलाव है ये गाइस, एंड ऑफ कोर्स टुडे स्पेशल मूंग दाल हलवा। चलिए गाइस तो ये सब रेडी हो चुका है, अब चलते हैं बच्चों को खाना देते हैं। आ जाइए गाइस आप लोग भी खाना खाने के लिए, ये लो पीछे सर को माई शे कबीर शेबी, ये लो प्ले, ये लो पूरी पीछे हो जाओ थोड़ा शेबी पीछे हो जा, तो ये लो हाँ तुम्हारे को यहाँ दे रही हो, सबकी अलग अलग प्लेट्स है, हाँ दे रही हूँ, माईशा कम खाती है गाइस इसलिए उसको अलग से उसको बड़ा प्लेट इसलिए क्योंकि वो गिराती है, ये लो पीछे हो जाओ तुम भी हाँ ले लो यहाँ पे रख के खाओ, कभी कभी ऐसे घूमो,
बस ठीक, ये लो पूरी लो तुम भी, ये लो वो उसे खाओ, सब्जी से खाओ। चलिए गाइस आप लोग भी आ जाइए खाना खाने। गाइस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड दुआओं में याद रखिएगा।